आपकी इतनी डिमांड पूरे देश भर में प्रचार के लिए क्यों हो रही है आजकल? रिश्ता मावाई पर कॉलेज के पेपर में तो भाई लिखना ही लिखना पड़ता, भाई थक गए हम लोग लिख लिख के, इतने पेपर होते हैं भाई, पेपर ही पेपर में पागल हो गया भाई, बता। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग, क्योंकि भाई साहब बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो अनदर व्लॉग करना पड़ेगा। 2 हफ्ते हो गए भाई तुम्हारे भाई को व्लॉग करे हुए, अब जाके मैं व्लॉग कर रहा हूँ शुरू। 2 हफ्ते हो गए होंगे, 2.5 हफ्ते भी हो गए होंगे, क्योंकि पेपर जब से चालू है ना, जब से मैं शायद से एक व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद से बस रिसॉर्ट्स व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि देखो टाइम मैनेजमेंट बहुत वो हो गया है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा शॉर्ट्स व्लॉग में, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो उसमें बस कॉलेज जा रहे, आ रहे, खाना बना रहे और आराम कर रहे बस। जैसे कि अभी भी देखो कुकर रखा है, हाँ अब कुकर में दाल वाल रखी है, बस दाल चूड़ेंगी, उसके बाद में बस आके वहाँ से दाल चावल रोटी और कढ़ी बनाना है बस। और जैसे कि देखो भाई और भी बहुत सी सीन हो गए थे यार, मतलब देखो यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ ना, यहाँ पे यार मकान मालिक की लड़की की, मतलब राकेश भैया नाम है, तो उनकी शादी थी, तो सीन ऐसे हो गए थे, मैं उस टाइम भी ब्लॉग करने आ रहा था बताऊँ, क्योंकि बहुत हंसी खुशी का माहौल था और मेरे को भी अच्छा लगता है किसी के यहाँ शादी आती रहती। तो ये जो मेरा रूम है ना, एक मिनट रुक जाओ यार, ज़रा सीखी होनी जान लो। हाँ तो ये जो मेरा रूम है ना, तो ये थोड़ा सा रूम मतलब पूरा खाली हो गया था, ये मतलब उन लोगों की फैमिली आके रह रही थी यहाँ पे, तो ये रूम नहीं था मेरे पास, मैं नवीन के रूम पे था, तो वहाँ पे क्या है मेरे को ब्लॉग करने की भी इच्छा नहीं भाई, उसके रूम में भाई ऐसा लगता ना कि भाई भूत बंगले तरीका लगता है, इसके कारण मैं वहाँ पर ब्लॉग नहीं करा। और वो पेपर के टाइम पे मतलब जब पेपर के गैप थे तब गया था, और आज जाके मेरे को मतलब बहुत दिनों से मिल गया, जैसे जब मैंने शॉर्ट्स ब्लॉग में डाला था ना कि ब्लॉग मेरे को अपना रूम मिल गया था, देखो भाई अपना रूम अपने को मिल गया है, तो सीन ऐसा है भाई अपने रूम में ब्लॉग करने का और अपने रूम में रहने का अलग ही एक वाइब रहती है। और देखो भाई पानी वानी आना है, मतलब बारिश चालू हो गई है, तो अभी आप लोगों को बाहर का सीन दिखाता हूँ। तो बाहर भाई बारिश वारिश आ रही है और कचरा गाड़ी भी आ गई है, तो अभी तो हम लोग भाई 10 बजे से पेपर चालू होते हैं, तो अभी 9 बजे हम लोग निकल जाएंगे, उसके बाद में पेपर देंगे और वहाँ पे शायद से अगर ब्लॉग कर पाऊँ तो, क्योंकि देखो बाहर आ रही है बारिश और बारिश में अपना मोबाइल भीग जाएगा तो सीन हो जाएंगे, क्योंकि अपना मोबाइल वाटर प्रूफ नहीं है। तो अभी नहाते धोता हूँ मैं और रेडी होता हूँ, उसके बाद में कॉलेज से अगर मिल जाए मेरे को कुछ क्लिप कुछ ब्लॉग तो बस फिर तो मज़े ही मज़े, नहीं तो अब मैं तो हूँ है कि नहीं। और सॉरी क्योंकि देखो ब्लॉग लेट आए, वो तो भाई आप लोगों को बताया बहुत दिक्कत चल रही है, इसलिए मैंने शॉर्ट्स ब्लॉग डाले, तो आप लोगों ने वो ज़रूर देखे होंगे। और अभी मैं नहाता धोता हूँ और रेडी होता हूँ, उसके बाद में मिलते हैं आपसे। सो फाइनली भाई तुम्हारा भाई नहा धो के आ गया, देख सकते हो एब्स भाई, बहुत दिनों से वर्कआउट मतलब एप्स का वर्कआउट नहीं करा तो भी एप्स दिखते भाई, देख सकते हो थोड़ा बहुत हल्के फुल्के दिखते हैं। अभी तुम्हारा भाई बस ऐसे चुटकी बजाएगा, बजा तो दिया, अभी एक बार चुटकी बजाएगा और बस रेडी हो जाएगा, ठीक है 1 2 3। तुम्हारा भाई हो गया तैयार, पूरे कॉलेज ड्रेस में शर्ट पैंट और बस आइडेंटिटी कार्ड नहीं टांगा है, आइडेंटिटी कार्ड टांगेंगे उसके बाद चलेंगे। तो अभी मैं पूजा कर लेता हूँ और उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलते हैं, तो चले अभी ले चलेंगे। देख लो भाई ये सरू भाई, देखो चप्पल पहन के आए, नल्ले बेरोजगार चप्पल पहन के आए कॉलेज में, नल्ले बेरोजगार लोग भाई। पेपर चालू हो गया भाई, बाहर कोई दिख नहीं रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं, पानी गिर रहा, अब कहाँ से आएंगे, अब टाइम भी हो गया पेपर देने का। तो फाइनली भाई लोग अभी मेरा पेपर हो गया है, पेपर देके जा रहे हैं घर। देखो वैसे लेट भी मतलब थोड़ी देर और रुक सकते थे, पर क्या है सीन ऐसा होता है कि खाना बनाना पड़ता है घर जाके यार, इसके कारण, नहीं तो खाना नहीं बनाना पड़ता ना, खाना टिफिन आ जाता तो कोई बात ही नहीं रहती, पर घर जाके खाना बनाना पड़ता, फिर खाना खाना पड़ता, उसके कारण थक जाते हम लोग। और भाई 2 घंटा मतलब 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में पेपर निपटा और बस जा रहा है घर, मतलब भाई 3 घंटे का पेपर है, बोर्ड के पेपर में तो
तीन घंटे लग ही जाते थे, पर कॉलेज के पेपर में तो भाई लिखना ही लिखना पड़ता भाई, थक गए हम लोग लिख लिख के। कितने पेपर होते हैं, कितने पेपर होते हैं, हमारा भी 12 पेपर है, 12 पेपर है। वो पहले फर्स्ट ईयर में मैंने दिए थे कितने, 10 पेपर होंगे, सेकंड सेम में कुछ 11-10 होंगे। भाई पेपर ही पेपर देके पागल हो गया भाई, मैं सही बता रहा हूँ। वो नवीन भाई आगे आगे जा रहा है, तो एक शुभम था तो शुभम चला गया है, तो अभी हम लोग रूम पे पहुँचते हैं। भाई थक गए यार हम लोग पेपर दे दे के, सही बता रहा हूँ भाई। कॉलेज वॉलेज में आओ, बाकी हर कोई ब्रांच के जितने पेपर होते हैं ना, बहुत कम पेपर होते हैं उनके, और हमारे जो बी एस सी एग्रीकल्चर है भाई, उसी में इतने सारे सब्जेक्ट क्यों रहते, समझ में नहीं आता। तो फाइनली भाई लोग, अभी तुम्हारे भाई ने खाना ना खा लिया, रोटी वोटी बना के, और आज आप लोगों को बताता हूँ, आज HOD सर का पेपर था। और भाई बहुत मतलब कि वो रहता ना कि यार HOD सर का पेपर है, समझ रहे हो, तो उस हिसाब से अपन ने तो ऐसा समझ के दिया कि नॉर्मल टीचर है तभी जाके लिखना होता, नहीं तो HOD सर का माइंड में रखता मैं कि HOD सर का पेपर है, तो लिखना तो दूर की बात है, बड़ा सोच सोच के ही टाइम चला जाता मेरा। तो अभी देखो खाना ना खा लिया, और अभी मौसम बढ़िया हो रहा है, अभी पंखा चालू करा है मैंने, और अब भाई थक गया हूँ मैं, तो अभी मैं सोऊंगा। उसके बाद में अगर शाम वाम में कहीं घूमने जाते हैं तो ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, तो अभी मैं सोता हूँ, और आप लोग भी आराम करो क्योंकि भाई थक गया है। और अब 2 दिन की छुट्टी है, उसके बाद में पेपर, 2 और पेपर बाकी है, तो अभी नींद लेते अपन। फाइनली भाई लोग, अभी तुम्हारा भाई मतलब बहुत देर से उठा था, ये भाई लोग अभी गुपचुप खा रहे हैं, अभी मतलब उठा था बहुत देर का था, थोड़ी बहुत बात बात कर रहे थे, और उसके बाद में अभी आया घूमने के लिए आनंद नगर पे, और अभी शाम भी हो गई, 7:30 बज गए, तो अभी घूमते फिरते व्यू दिखाते, कचरा ही है और कुछ नहीं है यार, मतलब कि रात का समय है ना, इसके कारण क्या बोलते क्रेज ज़्यादा रहता है, ऑफिस से आने जाने वाले लोग भी ज़्यादा रहते ना, तो अभी राम मंदिर घूमते हैं, और इन लोग गुपचुप खा रहे, गुपचुप खा देते हैं, अपन नहीं खा रहे, ठीक है, तो मिलते हैं आगे। फाइनली भाई लोग, अभी सब्जी वब्जी काट के नवीन ने दे दिया आप खाना बनाने मुझे, तो अब मैं खाना बना लेता हूँ, और अभी रात भी हो गई है, जैसे ही देख सकते हो भाई सोफा भी चला गया है, जिनका था उनने लेके चला गया, उससे कोई दिक्कत नहीं अपने को, और रात हो गई, तो भाई अब ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा होगा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं करना, मिलते नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय।